जय भगत जी। मेरा नाम विकास है, मैं लुधियाना से हूँ। ये बात उन दिनों की है जब मैं 1978 की बातें हैं, जब मैं बहुत छोटा था। मैं कहीं हम जाते थे मासा टेक, तो 1979 में मेरे फादर को एक प्रॉब्लम आ गई, कैंसर। एंड कैंसर जब हुआ तो हम उनके पास, गुरुजी के पास गए, जो ये वाले गुरुजी नहीं, हमारे छतरपुर वाले गुरुजी नहीं, कोई और थे। तो उन्होंने कहा था कि जा, तेरे प्यो की उम्र 40 साल बताती, तेरे प्यो को कुछ नहीं आता। तो अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ 1981 में हो गई। तो बड़ा मैं डिसाइडेड हो गया और मैं बहुत ज़्यादा विश्वास मेरा ख़त्म हो गया कि ये बाबे बूबे कुछ नहीं होते। आई डोंट बिलीव इन एनी बाबाज एंड ऑल। मैं उन पर विश्वास करना मेरा बंद हो गया। समय बीता गया और इसी तरह मैं वक्त आया शायद 1999 में, मेरे मासी जी दिल्ली में रहते हैं, तो उन्होंने गुरुजी के बारे में ज़िक्र किया। जब उन्होंने ज़िक्र किया तो मेरी नानी माँ कहने लगी, वो पंजाबी हम फैमिली हैं, तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि वो किधर पीछे लग गई, तू घरे मथा टेक रहा कर, ऐवें किसी इधर उधर जाइए हूँ। तो मैंने भी आंटी को ये समझाया, मेरे मासी वो दिल्ली में रहते हैं, विश्वास, क्योंकि मेरा विश्वास ख़त्म हो चुका था लाइफ से। अपना बाबू बुबा जितने भी आते हैं, जितने भी टीवी में बोलते हैं, मैं किसी पर बिलीव नहीं करता, विश्वास बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। फिर बात आई 2007 में, हमारा एक पड़ोसी था, मेरा एक फ्रेंड ही था, आजकल वो वैनकूवर में। तो उसने मेरे को कहा, कहते यार एक गुरुजी हैं दिल्ली में रहते हैं, जर्नल कर्नल, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस उन पर वहाँ जाते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ वहाँ जाते हैं, वहाँ जाके उनके चरणों में अपना सर झुकाते हैं, तो दिल्ली चल रहा है। और मैंने कहा यार, तो यार बींग पंजाबी लड़, मैं कहा यार तू सरदार हो गए कि पास तो रह फैला, तो अपना घर के गुरुद्वारा साहब जा, मत्था टेक, उन्होंने गुरुद्वारा जाके अपने सर झुका, उत्थे अपना गुरु ग्रंथ साहब का पाठ कराया कर। इन्होंने चीज़ों कुछ नहीं पिया, बस अपना रब का ना घर बह के ले लो, ये बहुत बड़ी गल थी। फिर बात आई गई हो गई 2008 की, मेरे भाई साहब कुवैत में रहते हैं, तो उन्होंने मेरे को एक सत्संग सुनाया गुरु जी का, वो लुधियाना आए हुए थे उन दिनों में। तो उन्होंने कहा ऐसे हमारे गुरु जी हैं तो दिल्ली में रहते हैं। मैं कहा अच्छा, क्योंकि मैंने इनके बारे ऐसे सुना तो जरूर है, पर मेरा भाजी मैं इन्होंने ऐसे था, मैं ऐम विश्वास भी कर सकता, किसी ने मैंने छेती कितने विश्वास नहीं होता। तो उन्होंने फिर अपना एक सत्संग शेयर किया था, कहते हैं वो जेठरा, तो वो यूट्यूब पर भी जेठरा अंकल ने वो सत्संग शेयर किया हुआ है। फिर एक ट्रेन थी, कोई संगत जानी थी वैष्णो देवी, तो उन्होंने जलंधर से ही एक ट्रेन चला दी थी, जो कि 5 साल बाद चली थी। वो उसी ट्रेन में बैठ के ही जलंधर से 5 साल पहले गुरु जी ने वैष्णो देवी वो 11-12 जाने थे वो वहाँ गए। उन्होंने बात मेरे को कह, मेरे को वो बात डाइजेस्ट ही नहीं हुई। मैं कहा यार भाजी, मैं दिल में पता क्या सोच रहा था, मैं कहा भाजी यार साढ़े कुवैत रहेंगे नहीं, पढ़े लिखे ने, फॉरन भी घूमया ने, किड़े पासे तुरे हुए हैं। मैंने इनकी बात को बड़ा लाइटली हिस्सा लिया, मैंने कहा चलो ठीक है। तो उन्होंने मेरे को एक इतना कहा, कहता विकी ऐसे कर विकास, एक मेरा निक नेम इज़ विकी, ऑफिशियल नेम इज़ विकास। तो उन्होंने कहा विकी ऐसे करिए, गुरु जी का स्वरूप है, तुम्हें अपने पर्स में रख ले। मेरा उनके साथ बहुत ज़्यादा प्यार था आज भी है। तो मैंने उनको उनकी बात, मैंने कहा यार बात को बात का जवाब दो, उनकी बात को मैंने टाला नहीं, वो स्वरूप गुरु जी का मैंने पर्स में रख लिया। वो पर्स में पड़ा रहा 2013-14 तक, और उसके बाद वो काम मिसप्लेस हो गया, आई डोंट रिमेंबर। जब मैंने निकाल दिया अनजाने में, वो इतना बड़ा भी नहीं, बींग ह्यूमन बींग, इतना मेरे को आइडिया नहीं था कि ये साक्षात बदवाशी है। फिर बात आई गई हो गई। एंड फिर एक मेरी लाइफ में ऐसा मेरे को झटका लगा, वो दिन था 2018 का, सन 2018 में मेरे को कोई पेन हुई मेरे राइट साइड में पेट के अंदर, तो मैंने अल्ट्रासाउंड करवा लिया। अल्ट्रासाउंड कराने के बाद वो अल्ट्रासाउंड एक महीने तक घर में ही पड़ी रही, डाइनिंग टेबल पर रखे। मैं कहा चल मैं दिखाता हूँ, कल दिखाता हूँ, मैं कहा स्टोन होगा, स्टोन की दवाई दवाई ले ली मैंने। लेकिन आफ्टर 1 मंथ फिर मेरे को वो कोई ना कोई प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई मेडिकली। वो तो यार मैंने वो जो अल्ट्रासाउंड करवाया था, मेरा कज़न पुणे में रहता है, इज़ ए डॉक्टर, मैंने उसको व्हाट्सअप किया। मैंने कहा यार चे देख भाई, ये देख इसमें क्या है, कहता यार मेरे को इमीजिएटली कॉल कर। तो मैंने उनको इमीजिएटली कॉल किया, मैंने कहा यार इसमें है क्या, कहते यार आई एम सॉरी टू से दैट ये कैंसर है, मेरे पैरों में से जमीन निकल गई। मैं कहा ये हुआ क्या मेरे साथ, आई वॉज इन सच ए बैड सेस में से निकल गया, मैं ऐसे लगा
पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया। मैं दिल में यही सोच ही रहा था, मैंने कहा आज तक मेरे साथ मैंने आज तक किसी का नुकसान नहीं किया, हाँ किसी ने मेरे को तंग किया उसको मैंने छोड़ा भी नहीं है। मैं जट दिमाग का बंदा हूँ, थोड़ा सा देसी बंदा हूँ, वैसे माइंडसेट का बंदा हूँ, बड़ा फ्रेंडली। मैं किसी के साथ पैर किसी के साथ गलत नहीं करता, हाँ मेरे साथ कोई गलत करता फिर मैं उसको छोड़ता हूँ। आज ही मेरा माइंडसेट थोड़ा सा वैसा है, पर गुरु जी के आने के बाद वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। बहरहाल वो मेरे को पता लगा कि आई एम सफरिंग फ्रॉम कैंसर, ये दिल नहीं गया, वो मेरे किडनी में था, राइट किडनी में, किडनी रिमूव कराई, लेकिन वो अंदर इतना फैल चुका था कि मेरे लंग्स में भी आ गया था। तो मेरे को पता था क्योंकि मेरे फादर को भी हो चुका था, तो हिस्ट्री पता थी कि बंदे की लाइफ 5-6 साल है या 2-3 साल है या साल है, मे बी 6 मंथ्स। तो मैं बड़ा डिसअपॉइंट हो गया, इतना मैं डिसअपॉइंट हो गया कि मैं घर में किसी से भी बात नहीं करता था। कहते इसलिए मैं अपने मदर से भी बात नहीं करता था, बच्चों से भी बात नहीं करता था, मैं अपने वाइफ से भी बात नहीं करता था। मेरे को ऐसा लगता कि बस इट्स द टाइम इज़ वेरी नियर, उससे टाइम ही मेरा पटाखा बोल जाना है, कुछ पता नहीं। खैर बच्चों को मेरी साइकिल पता थी, तो मुझे एक्चुअली म्यूज़िक का बड़ा शौक था, आज भी है। तो बच्चों ने फायर स्टिक लेकर आए, तो उसमें वो सिंगर का नाम क्या है, सिद्धार्थ मोल, तो सिद्धार्थ मोल के भजन लगाने शुरू करते, उसकी ऊपर तो आवाज़ बड़ी ज़बरदस्त है, यार इसकी आवाज़ में दम बड़ा है, जो गाता बड़ा दिल से गाता है। खैर वो बच्चे लगा लेते थे, तो मैं वो भजन सुनने शुरू कर दिए, और जब वो भजन सुनने शुरू कर दिए तो गुरु जी के बारे में, मेरी बेटी बिंग कहते हैं ना, वो छोटा बच्चा जल्दी चीज़ समझ आता है, तो उसमें बच्चों के दिल में भगवान होता है, तो मेरी बेटी बहुत मानना शुरू करती है, कहते हैं ये गुरु जी हैं ऐसा है। मैं दिल में सोचती हूँ यार, मैं अगर बच्चों को मैं आप कैसे एक्सप्लेन करूँ कि ये गुरु जी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आई वॉज़ वेरी अपसेट, और एक दिन मैं इतना डिमोरलाइज हो गया कि मैं सुबह सुबह उठा, मैंने मेडिसिन ली, तो मैंने गुरु जी का ध्यान कर दिया, क्योंकि गुरु जी का स्वरूप मेरी बेटी ने हर रूम में लगा के रखे हुए थे। मैं गुरु जी मैंने बचा लो यार, मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, तो मैं बड़ी आप अगर हो अवाकिंग हो तो कर दो। फिर बात आई गई हो गई, फिर एक दिन जो मेरा विश्वास लेवल मेरा बना, वो विश्वास लेवल ऐसे बना कि मैं सुबह उठ के योगा कर रहा था, तो मेरी वाइफ निकलती की मेडिसिन मेरे लिए लेकर आई, तो मैंने गुरुजी को चैलेंज कर दिया। मैं कहा यार गुरुजी वाकई का तुम्हें है ही होना, मैंने अपने दर्शन दो, मैंने पंजाबी में बड़ा मतलब कि फर्स्ट एड होकर बोला गुरुजी का। तो इन द मीन टाइम वो कब के उधर ओम बन गया, आई वॉज सडनली स्टन विद दैट, तो यार ये इतना ऑन ऑफ द सडन ओम बनना ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उस तरफ ना ही मेरे लिप्स लगे, ना ही मेरे कोई उंगलियों के निशान लगे, कोई कुछ भी नहीं हुआ, कि ओम कैसे बन गया। मैंने अपनी वाइफ को सडनली बोला कि ये देख गुरु जी का ओम बना, तो वो भी हैरान होगी, मेरी बेटी भी हैरान होगी, मेरा बेटा भी हैरान हो गया। तो ऑन ऑफ द सडन जब वो ओम बना, मैंने फिर रियलाइज किया, मैं कहना यार कोई बहुत बड़ी शक्ति है, मैंने किन को चैलेंज कर दिया, इतना क्लियर ओम तो बन ही नहीं सकता। फिर बात आई गई होगी, मैं क्या फिर मैंने बोला गुरु जी यार तुम वाकई ठीक मतलब है ही हो तो मैंने ठीक करो, मैं बड़ा डिमोरलाइज फील कर रहे हैं ना, तो मैं मेरा की बनना की नहीं बनना मैंने नहीं समझ आ रही, लेकिन तुम मैं ठीक करो। मैं योगा करता रहना सी अपना जो फंदा एक एफर्ट करता है, बींग ह्यूमन बींग जो मैं अपनी एफर्ट कर सकता था मैं करता रहा। बात आई गई हो गई, फिर मैंने एक दिन गुरु जी को बोला, मैंने कहा गुरु जी ऐसा है मेरा बर्थडे होता है 30th December, मतलब मेरे को बर्थडे गिफ्ट चाहिए। तो कहते क्या बर्थडे गिफ्ट चाहिए आपको, मैंने गुरु जी मेरे को ठीक कर बस मेरा ये बर्थडे गिफ्ट है कि मैं मेरा कैंसर क्योर हो जाए। कहते चलो ठीक है, बात आई थी हो गई, और 12 या 13 December का दिन था जिस दिन मेरे को मेरी बेटी मेरे को बोलने लगी कि पापा आपका सिटी स्कैन कराना है। तो आई वॉज सो स्केयर्ड कि मेरा मैं जो होगा देखी जाएगी, मैंने कहा मैंने स्कैन ना देखने जाना है और ना ही मैंने स्कैन करवाना है। तो मेरी बेटी ने अपने मामू को फ़ोन करते, कहते पापा तो जा नहीं रहे, मेरे ब्रदर इन लॉ भी यहाँ पर आ गए हमारी तरफ, तो मुझे ज़बरदस्ती ले गए स्कैन करवाने के लिए। जब वो स्कैन की मशीन में मैं लेटा, मैं एक्चुअली चिंतपूर्णी माता को भी मानता हूँ, मैं कहा जय माता चिंतपूर्णी जी जय गुरु जी, कड़े कितने फंसा के रखता तुझे, मैंने रिज कटो, मैंने ऐसे बोला है दिस द सेम एक्जैक्टली वर्ड्स व्हाट आई सेड। जब स्कैन करने वाला बंदा आया, कहने जी सांस रोकी है, मैंने सांस रोका, कहता जी 5 मिनट बाद फिर दोबारा आ गया मेरे पास, कहता जी आप ऐसे करो
कलर स्कैन करवा दो। मैं और डर गया, मैं कहा ये कलर स्कैन के लिए क्यों कह रहा है। तो मैं कहा चल यार ऐसे कर तू ये स्कैन तो मेरे को दे। एक्चुअली हुआ क्या था उस स्कैन के अंदर, जो अंदर डॉक्टर बैठा हुआ था उसको कुछ नजर ही ना आए। कहता आपको हुआ क्या? मैं कहा मेरे लंग्स में कैंसर है। उसको उसको मेरे स्कैन में कुछ नजर ही ना आए भी व्हाट इज़ गोइंग ऑन। कहना ये स्कैन का क्या करवा रहे हैं? मैंने कहा तू ऐसे कर यार स्कैन मैंने दे, मैं कल जाकर डॉक्टर को दिखाया हूँ। 12 दिसंबर को हम स्कैन लेके घर आ गए, लेकिन घर में किसी की हिम्मत नहीं पड़ी, स्कैन एज इट इज़ घर पर पड़ा रहा। मेरी सिस्टर ने कहा मेरी वाइफ को, कहती भाभी आप ऐसे करो एटलीस्ट दिखाओ तो सही है क्या। तो मेरी बेटी ने व्हाट्सअप करके वो रिटर्न रिपोर्ट सेंड कर दी डॉक्टर को, व्हाट्सअप कर दी मतलब। तो जब मैंने वो रिटर्न रिपोर्ट भेजी अपनी सिस्टर को, तो मेरी सिस्टर कहने लगी इसमें तो कुछ भी नहीं है, कैंसर जैसा तो कुछ भी नहीं जो आप सोच रहे हैं। तो हमने कहते सिस्ट थोड़ा सा नज़र आ रहा है, लेकिन घबराने वाले कुछ बात नहीं, आप तो नॉर्मल ही है। तो मेरे को था कि यार वो सिस्ट के अंदर थोड़ा सा रह गया होगा, तो मैं योगा करूँगा तो मैं वो भी ठीक हो जाएगा मेरा। मैं आई एम वेरी क्लोज टू दैट, पर ये नहीं मेरे को पता था कि मैं एब्सोल्युटली ओके। इस चीज़ से मैं बिल्कुल वाकफ नहीं था कि मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ। फिर बाद आए गए 27 दिसंबर का दिन 2018, वो दिन अभी मेरे को याद है। शाम को मैं तुम घर से 2:30-3 बजे निकले, तो एक बड़ा चेस्ट स्पेशलिस्ट है हम उसके पास चले गए। हम पुराने डॉक्टर के पास तो गए नहीं था, हमने कहा आज पर नया डॉक्टर दिखाएंगे। वो एक्चुअली जिसको मेरी कोई हिस्ट्री नहीं पता, जिसको मेरा कोई कुछ नहीं पता, वो इसको दिखाऊंगा। जब हम उसके पास गए तो मैंने कहा मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं कार में से उठ के अंदर कैबिन के अंदर चले जाऊं, और मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी जाने की। मेरी वाइफ, मेरे ब्रदर इन लॉ एंड मेरी बेटी तीनों जाने अंदर चले गए। उधर मैं बड़ा टेंशन में बैठा हुआ, तो अब मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा था कि क्या करूँ। आई वॉज मतलब डर भी रहा था ब्रदर के अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा। तो बैठे बैठे मैंने अपने किसी अपने क्लोज को फ़ोन कर दिया, मैंने कहा ऐसे ऐसे ना मैं उनके डॉक्टर के पास बैठा। कहते ये वही डॉक्टर है, तेरे को जानता तो है, ये पहले उधर था। मैं कहा ये वही है? कहते हाँ। मैं चलिए ठीक है मैं अंदर चला गया। तो मैं सीधे अंदर कैबिन के अंदर मैं चला गया। जब कैबिन के अंदर गया कहना हाँ जी, मैं कहा डॉक्टर साहब मेरा ही सिटी स्कैन है, देखो ये हैगी है ना ही नॉर्मल है। मैं कहा व्हाट? कहते यस। मैंने फिर उसे पूछा, मैं कहा डॉक्टर साहब आर यू श्योर अबाउट दिस? कहने यस एब्सोल्युटली नॉर्मल। मैं कहा डॉक्टर साहब मेरे को तो लंग्स में मेरे कैंसर था। व्यक्ति ये जो आप सोच रहे हो इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें मेरे को कुछ नज़र नहीं। मैं कहा मेरे को तो ये प्रॉब्लम थी। कहता अगर आपको ये प्रॉब्लम थी तो नहीं कोई आपके पास जो है एक्सरे पड़े सिटी स्कैन पड़े हैं? अगर जी पड़े हैं। पुराने सिटी स्कैन दिखाए आप? कहने देखिए जी इसमें तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो आपने अपने 10-15 दिन पहले करवाया है तो इसमें ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। यू आर एब्सोल्युटली ओके। आई वॉज एब्सोल्युटली क्योर, आई वॉज सो हैप्पी, मैंने सबको बताया। फिर दिमाग में डाउट तो रहता ही है बीइंग अ ह्यूमन बीइंग। मैं कहा यार मार्च के महीने में फिर मैंने कलर स्कैन ही करवा लिया। फिर मेरी बेटी भी कहने लगी, कहता पापा आप करवा लो कलर स्कैन एक बार करवा लो, थोड़ी बहुत ही टेंशन अगर आपके दिमाग में वो भी निकल जाएगी। अभी चलिए ठीक है। मैं महाशिवरात्रि पे एक्चुअली एक ये भी हुआ था कि मेरी बेटी को ड्रीम आया था, कहता जा तेरे पेट को ठीक करता है, कोई स्कैन करा ला, कुछ ही नहीं है वो वैसे जा मौजूद। तो फिर मार्च में हमने शायद मैंने 23 या 27 मार्च को आई डोंट रिमेंबर द डे, तो मैंने कलर करवाया स्कैन। स्कैन करवाने के बाद कलर करा के फिर मैं उसी डॉक्टर के पास पहुंचा, कहते आप बिल्कुल घबराओ ना, कलर में भी कुछ नहीं आया है, प्योर एब्सोल्युटली भी ओके, नथिंग कैंसरस जैसा कुछ भी अंदर नहीं हो, नथिंग टू वरी अबाउट, आप घर जाकर आराम कीजिए इन्जॉय करो लाइफ को। फिर मेरे को होने लगा कि नहीं गुरु जी हैं और उन्होंने जस्ट ढंग से उन्होंने मेरे को ब्लेस किया, मेरे को बचाया, और यही चाहता हूँ कि गुरु जी ऐसे सबका भला करते रहें। छोटी मोटी और भी मेरे घर में प्रॉब्लम है, अब मैं गुरु जी से एक और प्रार्थना जरूर करूँगा। हाँ मेरे से भगवान कोई गलती हो गई मैं तो माफ़ कर दें, सबके सामने मैं माफ़ी मांगता हूँ। यस आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरे भगवान हो, आप ही मेरे शिव हो, आप ही मेरे सब कुछ हों। और मेरी लाइफ को जो मेरी छोटी मोटी और एक दो प्रॉब्लम्स हैं वो अभी मैं शेयर नहीं करूँगा, वो ठीक होगी फिर मैं वो भी शेयर करूँगा आपके साथ। मैं यही गुरु जी से कहना चाहता हूँ कि गुरु जी आप प्लीज़ वो प्रॉब्लम्स भी सुविधाएँ ठीक करें, और मैं बाउंस बैक करना चाहता हूँ। जो मेरे मन में है वो मेरी दो चीज़ें जो हैं वो मेरी पूरी हैं, और मैं बता सकूँ मैं अभी का बेटा। जय गुरु जी।